नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। मुरादाबाद के थाना मझोला से है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2,500 रुपए के नकली नोटों की खेप बरामद हुई है। वहीं इस नेटवर्क का सरगना अभी तक फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये तस्कर नकली नोटों का अवैध धंधा करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस मामले में एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने इन गुनहगारों का काला चिट्ठा खोल दिया है। एसएसपी ने बताया कि अभी इन आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। मुद्रा पाई गई है जिसको फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहते हैं, और इसमें 100, 200 और 500 के डिनोमिनेशन के नकली करेंसी इन पे पाई गई है। कुल जो अमाउंट है ये 1,00,000 रुपए का जो अमाउंट के बराबर की ये करेंसी पाई गई है। ये 3 हैं, नौशाद, रईस और हसीब, जो रहने वाले नूरपुर, बिजनौर, भोजपुर, मुरादाबाद और कुंदरकी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ में इनका एक और साथी है डॉक्टर नफीस, जो फरार है। वो ये लोग, इन पे मुकदमा हुआ है और ये लोग पकड़े। प्रतापगढ़ के कुंडा थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में मुहर्रम के त्योहार पर मजहबी गेट लगाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी धरना दे रहे उदय प्रताप सिंह को स्थानीय प्रशासन ने नजरबंद कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस के नजरबंद के नोटिस को गेट पर चस्पा कर दिया है। खबर शाजापुर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ कीमत की स्मैक बरामद की। वहीं पकड़े गए तस्करों को पुलिस ने जेल भेज दिया। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना जयतीपुर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा एक अभियुक्त ओमपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो जनपद बदायूं का रहने वाला है, थाना बिनावर का, और उसके कब्जे से 400 ग्राम स्मैक बरामद करने की सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और इससे गहनता से पूछताछ की गई है। जो अन्य तथ्य प्रकाश में है उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त ओमपाल को थाना जयतीपुर में उसके विरुद्ध संगठन धारा का। यूपी में एक बार फिर भाजपा की सरकार अब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनौतियों में जुट गई है। पार्टी हर जिले में अपनी नजर बनाए हुए है। लोकसभा के गत चुनावों में जहां चूक हुई है उनकी भरपाई को योजना भी सरकार बना रही है। इस क्रम में पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचे को प्रशिक्षित कर जनता के बीच उतारने की तैयारी में जुटी है। वहीं आगरा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर के पहले दिन डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस शिविर में युवाओं को कई विषयों पर जानकारी दी गई। तत्व में भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। हर स्थिति में हम इसको कायम रखेंगे। आगरा को चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत तेज़ी के साथ आगे ले जाएंगे। प्रदेश में नंबर 1 का जिला बनाएंगे, क्योंकि देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर आगरा है और यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत न हो, सड़क पर आवागमन में दिक्कत न हो, कानून का राज स्थापित रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। आईडी नीचे करो यार सब। रैली भी होती है तो रैली के माध्यम से भी नेतृत्व का विकास होता है। और ये प्रशिक्षण वर्ग है, प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से संगठन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, कार्य पद्धति है, बीजेपी का इतिहास विकास है, ये प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, जो क्षेत्र में जाकर संगठन को खड़ा करते हैं और संगठन को करना क्या है इसके माध्यम से जानकारी हो। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने 3 छात्रों को अपने प्रोफेसर पर हमला करने पर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि परीक्षा फॉर्म जमा करते वक्त प्रोफेसर ने फॉर्म को छात्रों के मुंह पर फेंक दिया था, जिस बात से भड़के छात्रों ने प्रोफेसर को घायल कर दिया और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2022 में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर
और कॉमर्स विभाग के जो निशा उल्ला खान और इनके साथ में जीपी शर्मा दो प्रोफेसर थे, इन पे कुछ लोगों ने हमला किया था कोतवाली में और इसमें तीन लोग पकड़े गए हैं। इसमें अमन शर्मा है, प्रशांत सिंह है और आलोक चौधरी है। शाहजहांपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। वहीं DIOS शौकीन सिंह यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न पूछे गए हैं। क्विज प्रतियोगिता का विषय देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शाहजहांपुर के लोगों का योगदान है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से जिले के बच्चे अपने जिले के वीरों को जानने का मौका मिलेगा, साथ ही बच्चों में देश प्रेम की भावना भी जागृत होगी। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। कहते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव जो कि 75 ईयर्स हमारी आजादी को हो गए हैं, उसके तहत एक आजादी का अमृत महोत्सव सारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी तरह से हमारे जनपद में भी ये प्रतियोगिताएं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं। उसी में एक प्रतियोगिता क्विज 75 प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें जिसका जो सब्जेक्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में शाहजहांपुर के लोगों की भूमिका। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज ग्राम में NRLM के अंतर्गत THR प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस प्लांट में 73 लाख के मशीन उपकरण लगाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रतिदिन 2.5 मीट्रिक टन पुष्टाहार का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस प्लांट में 2 शिफ्ट में महिलाएं काम करेंगी, जिसका मानदेय अलग से महिलाओं को प्राप्त होगा। तो वहीं महिलाओं ने भी इस दौरान अपने अपने विचारों को अधिकारियों के सामने व्यक्त किया। एक तो मतलब पहला एक ये था कि हम समूह की महिलाओं से इंटरेक्शन करें, उनके द्वारा क्या समस्याएं आ रही हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हमारे धरातल पर कितना काम उतर रहा है, उसको एक देखने की मंशा है। दूसरा, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे उनका फीडबैक लेना का एक उद्देश्य था कि उनसे जाने कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा ये था कि ये टेक होम राशन का जो प्लांट लगा है ये हमारे समूह के द्वारा चालू किया जाना है। खबर महाराजगंज जनपद के घुघली और सदर थाने से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से लूटे हुए माल सहित देसी तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं। पकड़े गए अपराधियों ने बीती 4 अगस्त को लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। घुघली क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी जो अपनी पिकअप को लेके जब शाम के समय जा रहा था, तो शराब के नशे में 4 लोगों द्वारा उनसे सामान को छीनने की और उनको चोट पहुंचाने की घटना कारित की गई थी। इस पे एक जॉइंट टीम जो SOG की, घुघली की और थाना कोतवाली की जॉइंट टीम द्वारा इसमें जो लिप्त थे 5 लोग उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ में जो लूट का सारा सामान था वो बरामद किया गया है और इन 5 लोगों का जेल भेजा जा रहा है। ये एक अंतर जनपदीय गैंग बना के इस प्रकार का कार्य कर रहे थे। इनसे घटना में यूज़ किए गए असले, साथ में इनके द्वारा जो मोबाइल और बाकी चीज़ें लूट की गई थी वो सभी सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज ग्राम में NRLM के अंतर्गत THR प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस प्लांट में 73 लाख के मशीन उपकरण लगाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रतिदिन यहां 2.5 मीट्रिक टन पुष्टाहार का निर्माण किया जाएगा। एक तो मतलब पहला एक ये था कि हम समूह की महिलाओं से इंटरेक्शन करें, उनके द्वारा क्या समस्याएं आ रही हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हमारे धरातल पर कितना काम उतर रहा है, इसको एक देखने की मंशा है। दूसरा, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे उनका फीडबैक लेना का एक उद्देश्य था कि उनसे जाने कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा ये था कि ये टेक होम राशन का जो प्लांट लगा है ये हमारे समूह के द्वारा चालू किया जाना है। एक तो मतलब पहला एक ये था कि हम समूह की महिलाओं से इंटरेक्शन।
गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की 2.25 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत आफसा अंसारी की सभी अवैध जमीनों पर कुर्की करने की कार्रवाई की। जानते हो पिछले विगत न कुछ दिनों में लगभग 22.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराधियों की जो है वो कुर्की गई है हमारी टीम द्वारा। आज 2.25 करोड़ रुपए की न संपत्ति मुख्तार अंसारी और उसके गैंग मेंबर की जो है गैंग की जो है वो कुर्की जा रही है। ये 3 लैंड प्रॉपर्टीज़ है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ पे 191 वर्ग मीटर का ये प्लॉट है। इसके अलावा कुंदनपुर और रजनीपुर दो जगह पर अन्य प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉपर्टियों की हम लोगों को ऐसे लोगों की तलाश है। इन प्रॉपर्टियों को भी जो है वो कुर्किया जाए। ताला और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब फिल्म सिटी के नाम से भी मशहूर होने जा रहा है। अब अलीगढ़ में भी जल्द ही बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होगी। बता दें गांधी पार्क चौराहे स्थित सिटी क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर भूपेंद्र सिंह और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पंकज धीरज ने बताया कि सुसेन फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई जा रही बड़े पर्दे की फिल्म मिशन ओवर की शूटिंग आगामी 21 अगस्त से शुरू होगी। अलीगढ़ को जैसे ताले और तहजीब की नगरी के नाम से जाना जाता है तो पिछले 2014 से हम लोग इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि सिने और टीवी जगत के परिदृश्य में भी अलीगढ़ को पहचान मिले, जिसके लिए इसका नाम हॉलीवुड हमने रखा, हॉलीवुड का नाम दिया और हॉलीवुड फिल्म फेडरेशन भी बनाई और उस हॉलीवुड फिल्म फेडरेशन के अंतर्गत जो सिने टीवी जगत के जुड़े हुए कलाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर इस तरह की जितने भी प्रतिमाएँ उन सबको जोड़कर हमने प्रयास किया। इस फिल्म के माध्यम से हम यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको मुंबई से कनेक्ट करना चाहते हैं, मुंबई के कलाकारों के साथ उनका तालमेल बैठाना चाहते हैं कि वो भी उनको साथ काम करें और वो अपने आप को उनसे कंपेयर करें ताकि उनको भी एक आगे काम वर्क करने के लिए किस तरीके से उन्हें अपने आप को ट्रेंड करना है, किस तरीके से उनको कितनी मेहनत करनी है ताकि वो उनके लेवल तक जा सकें। खबर शाजापुर से है जहां लीड कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को बड़े धूमधाम के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया गया और स्कूल की प्रधानाचार्य और निर्देशक ने सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे स्कूल में येलो डे हर साल मनाया जाता है। ये फ्रेंडशिप डे के ओकेजन मनाया जा रहा है और हम लोग सब लोग येलो ड्रेस में आते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं स्कूल में। आप देख सकते हैं सब लोग येलो ड्रेस में आए हैं। हम लोग जानते हैं फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त फ्रेंडशिप डे होता है जो कि कल है, लेकिन स्कूल में आज सेलिब्रेशन है। संडे हॉलीडे होता तो हम लोग वन डे बिफोर करते हैं। सभी लोग जानते हैं लीड कॉन्वेंट में सभी रिलीजन को बहुत महत्व देते हैं हम लोग, सभी सेलिब्रेशन करते हैं, साथ में जितने भी डेज होते हैं उनका भी सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज फ्रेंडशिप डे का सेलिब्रेशन स्कूल में है। आप लोग देख रहे होंगे सभी बच्चे येलो कलर का ड्रेस पहन के आए। इसके पीछे भी रीज़न ये है कि येलो कलर दोस्ती का प्रतीक होता है। खबर अमेठी से है जहां तिलोई में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें आयोजन के दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने तहसील पहुंचकर जनता की फरियाद सुनी और समय पर शिकायतों के निस्तारण करने के आदेश दिए। खबर औरैया से है जहां आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। मुहर्रम की 7 तारीख पर जनपद के अलग अलग स्थानों में जुलूस निकाला गया। वहीं अलम के जुलूस को लेकर फफूंद कस्बे में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। गौरतलब है कि यहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि अलम के जुलूस को बड़ी ही अदब और एहतराम से मनाया जाता है। इजहार अहमद पूर्व चेयरमैन में का मानना है कि लोग बड़ी ही सादगी और प्रेम के साथ इसमें शामिल होकर अमन चैन का संदेश देते हैं। ये त्यौहार जो है त्यौहार हसन इमाम हुसैन के नाम से हम लोग रोजा बनाते हैं, उसको हर साल उनकी यादगार में मनाते हैं। तो कोई मनौती भी पूर्ण होती है क्या? नहीं, ये ताजिए उन्हीं के नाम से उठते हैं। जो मन्नत वाले होते हैं जैसे चिराग जो उठाते हैं, नींबू उठाते हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो उनको चांदी का बना के चढ़ाते हैं। खबर
अलीगढ़ से है जहां अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान आयोग के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा हालातों में बाजार समाज की हालत काफी दयनीय है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम योगी ने उन्हें आश्वासन देते हुए जल्द ही बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने के फरमान जारी किए। मुहर्रम का एक महीना है जिसको गम का महीना कहते हैं, हमारे इसको बहुत सादगी से मनाना चाहिए। इस हिसाब से मनाना चाहिए कि इसको गम के जो मनाना चाहिए, इसमें ज़्यादा हो हुल्लड़ नहीं करना चाहिए, सादगी से रहना चाहिए। थाना पपून क्षेत्र कस्बे में आज सातवीं का जो मुहर्रम का एक अवसर है जिसमें अलम का जुलूस आज निकाला जा रहा है, जिसके लिए हम लोग जो है पूरी सतर्कता बरतते हुए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देशानुसार जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को राष्ट्रीय गौरव से परिचित कराने के लिए 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के निर्देश जारी किए गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन जोरदार तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं जिला अधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव ने शहीद उपवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के जेई शमसुल रहमान को जिला अधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने 13 अगस्त तक काम को पूरा करने का निर्देश दिया। आजादी के 75वें वर्ष पे अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया एक झंडा अवश्य समय से क्रय कर लें और अपने भवन पे, चाहे वो व्यावसायिक भवन हो, आवासीय भवन हो, औद्योगिक भवन हो या सरकारी भवन, उस पर एक झंडा अवश्य फहराना है। 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक प्रतिदिन झंडे का एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत उसका रंग का ध्यान रखना है और सुबह सूर्योदय के पश्चात फहराना है और शाम को सूर्यास्त से पहले उसको उतार लेना है। खबर महाराजगंज से है जहां आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा फहराने की योजना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगे के सम्मान और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीदों और महापुरुषों को याद करने के लिए 13 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। हर घर हर दुकान पे तिरंगा फहराया जाए और इनकलाब आज़ादी एकदम अदब से मनाया जाए और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक अमृत महोत्सव का प्रोग्राम रखा है। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज नौतनवा तहसील के सभी हमारे क्षेत्रवासी, सभी धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग साथ मिल करके हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को घर घर और अपनी दुकानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।